हरियाणा में आज बजट पेश किया गया और सीएम मनोहर लाल ने अपनी दूसरी पारी में पांचवा बजट पेश किया। हमारे साथ खुद सीएम मनोहर लाल इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि बजट किस तरीके का था, क्योंकि लगातार आप अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक कैसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए मॉनिटरिंग आप कैसे कर रहे हैं और इस बजट में उसकी क्या झलक दिखी? देखिए, समाज के अंदर गरीब लोग जो होते हैं उनका जीवन यापन बड़ा कठिन होता है। एक संवेदनशील सरकार के नाते से हमारे मन में भी आता है कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को मुख्य धारा में जुड़ के चलने का एक अवसर उसको मिलना चाहिए। उसी नाते से अंत्योदय की हम चिंता करते हैं, उसकी शिक्षा की चिंता करते हैं, उसके मकान की चिंता करते हैं, उसके घर के स्वास्थ्य की, उसके बच्चों की चिंता करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये हमारा नारा रहता है। तो जिसकी ज़रूरतें पहले हैं उसको पहले पूरा करना। और उसमें भी अगर वर्गों की बात मैं करूं तो उसके अंदर गरीब के साथ साथ हमारा किसान है, हमारा युवा है, हमारी यहाँ नारी शक्ति है, इन सब की भी चिंता करना हमारा काम है। तो हम सब लोगों ने बजट जो बनाया है उससे समाज के अंदर एक संतुष्टि और जो जो आवश्यकताएँ जिसकी उसकी हमने पूरी की। एक सवाल जहन में ये भी आता है कि स्वच्छता को लेकर बहुत बात होती है और इस बार सीवर को लेकर 100 किलोमीटर तक जो है वो काम किया जाएगा। क्या ये थोड़ा कम रह गया, इसमें और कुछ हो सकता है या फिर इसे और बढ़ाया भी जा सकता है? इस पर देखिए, जिस प्रकार से एक जनता का दबाव बन रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे सीवरेज है या सफाई है इसकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। और कुछ स्थानों के ऊपर तो ये सीवरेज की व्यवस्था 30-40 साल पुरानी हो चुकी है, उसको रेनोवेट करना भी जरूरी है। तो इस नाते से हमने 100 किलोमीटर का जो टारगेट रखा है, जहाँ जहाँ की आवश्यकता है पहचान करके उसको पूरा करेंगे और पहले वाले जितने काम चल रहे हैं उनको भी पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल किसानों और उद्योगों से जुड़ा हुआ, किसानों के लिए आप एक तोहफा लेकर आए हैं, चुनावी साल भी है, और दूसरा उद्योगों के लिहाज से क्या फरीदाबाद और गुरुग्राम से आगे बढ़कर कुछ और जगहों पर भी ज़्यादा झलक दिख सकती है, ताकि रेवेन्यू जनरेशन गुरुग्राम और फरीदाबाद से कुछ और जगहों पर भी दिखे? देखिए, जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, हमारा गुरुग्राम जो है वो रेवेन्यू अर्निंग स्टेशन है, साथ में फरीदाबाद भी ऐसा हो चुका है जैसे आपने बताया। उसके साथ सोनीपत जिला, रेवाड़ी जिला, रोहतक जिला, पानीपत जिला, ये कुछ NCR के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां आज भी इन्वेस्टर आना चाहता है, उसकी डेस्टिनेशन बन चुका है, उसका एक डेस्टिनेशन प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। साथ में पंचकुला है, करनाल है, अंबाला है, GT रोड के ऊपर भी ये विषय शुरू हो गए। हिसार के अंदर हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट पर भी बनने के बाद बहुत से इस प्रकार के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा स्कोप बहुत है, हरियाणा में हर कोने में उद्योगपति जाने के लिए तैयार है, इसलिए सबकी हम योजनाएं बना रहे हैं। किसान का देखिए, क्योंकि किसान एक डिस्ट्रेस में होता है, खास करके वो किसान जो कर्ज ले लेता है, और कर्ज लेने के बाद उस समय पर वापसी उसकी नहीं होती है। जब वापसी नहीं होती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती हैं, फिर नए साल का वो कर्ज ले नहीं पाता है। तो हमने ये तय किया कि जो उसके ऊपर जुर्माना पेनल्टी है उसको माफ़ करके लगभग 1750 करोड़ रुपये हमने माफ़ किया, ताकि वो समय पर जमा कराएगा, बाद में फिर उसको अगर दोबारा भी ऋण लेने का एक अवसर मिल जाएगा, उसका जीवन थोड़ा सुखी हो जाएगा। कमी है, बेहद शुक्रिया सर। तो सीएम मनोहर लाल को आपने यहाँ पर सुना और उनकी तरफ से क्लियर हर चीज़ को लेकर वो दिखाई दिए। अंत्योदय की योजना की लगातार बात की जाती है, कैसे अंतिम आदमी तक आपको फ़ायदा पहुँचाना है, उस दृष्टि से भी ये बजट बेहद खास है। इस पर भी उनकी तरफ से बात की गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये भी बात की गई थी कि राजस्थान को पानी कैसे देंगे। बहुत से ऐसे मसले थे जिन पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से बजट को लेकर, बजट के दौरान बहुत सी बातें कही गई, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें उद्योगों को लेकर उनकी तरफ से क्लियरली कहा गया कि ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद और ग्राम सिर्फ इन्हीं दो जगह तक उद्योगों के लिहाज से चीज़ें बंधी हुई रहेंगी, पंचकुला से लेकर करनाल और तमाम जगहों पर चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर विजन है और उस विजन के तहत तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही है। जो सबसे खास चीज़ आज देखने को मिली वो ये मिली कि किसानों की जो कर्ज माफ़ी है वो कर्ज माफ़ी पर तो नहीं गए, लेकिन जो किसानों का कर्ज है उस कर्ज के तहत जो ब्याज है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। तो कुछ बातें किसानों के लिए, कुछ उद्योगों के लिए और कुछ उन लोगों के लिए जो टकटकी लगाए बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि इस बजट से कुछ खास मिलेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।